आज का दिन राजस्थान की राजनीति के लिए काफी अहम था। आज दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। राजस्थान में होने वाले चुनाव और गहलोत पायलट विवाद से संबंधित ये बैठक काफी अहम थी। बैठक की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें राजस्थान कांग्रेस के 30 से अधिक नेता मौजूद थे। साथ ही सचिन पायलट भी बैठक में मौजूद रहे, जबकि सीएम गहलोत वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए। इसके पीछे की वजह उनके पैर में लगी चोट है। आज की बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे शीत युद्ध का अंत हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि बैठक के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के लिए टाल दी गई है। बैठक के बाद सचिन पायलट का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरी बात मान ली है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे, उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह AICC ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। बहरहाल इसके बाद पार्टी महासचिव वेणुगोपाल ने भी मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने साफ किया कि सितंबर के पहले हफ्ते तक उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी दोनों नेताओं के बीच काफी बार सुलह की नाकाम कोशिशें कर चुकी है। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस संगठन में कोई पद नहीं चाहते। पायलट सिर्फ राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं। वो कुछ ऐसी भूमिका चाहते हैं जिससे विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में उनका कद बढ़ जाए। पायलट समर्थकों का मानना है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर पायलट को फिर एक बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इस बार गेंद किसके पाले में जाएगी, इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। गहलोत पायलट विवाद पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान की राजधानी से जुड़ी पल पल की खबर को जानने के लिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें।